जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुख्यमंत्री ने जनपद गौतम बुद्ध नगर के होमगार्ड कार्यालय में अभिलेखों को जलाए जाने की घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया। फॉरेंसिक टीम को तत्काल घटनास्थल पर भेजकर जांच कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और दोषियों की गिरफ्तारी करने के आदेश मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव होमगार्ड और डीजी होमगार्ड से शाम तक इस पूरे मसले पर रिपोर्ट भी मांगी है। जिस तरह की घपलेबाजी सामने आई थी, इस खबर को जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने प्रमुखता से दिखाया और मुख्यमंत्री ने भी अब घटना का संज्ञान लिया है और तुरंत कार्रवाई की बात कही है। सीएम ने आज शाम तक दोषियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी उस मामले को लेकर रिपोर्ट भी तलब की है। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, जिस तरह से ये पूरा गड़बड़ झाला सामने आया था, अब मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया, क्या कार्रवाई की उम्मीद, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, बताइए। विशाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? घोटाला था और इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही जांच शुरू हुई थी वैसे ही ये खबर निकल के आई कि कल जो होमगार्ड सर है वहां पर ये आग लगा दी गई। इसके बाद अब खुद इस पूरे मामले को लेकर सीएम ने संज्ञान लिया है। संज्ञान लेते हुए सीएम ने इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो प्रमुख सचिव होमगार्ड और डीजी होमगार्ड से मांगी है। शाम तक ये भी कहा है कि सीएम और एमएसपी जो है वो इस पूरे मामले में जो है शाम तक संबंधित जो दोषी है उनकी गिरफ्तारी करें। ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से ये पूरा मामला सामने निकल के आया, एक बड़ा घोटाला सामने आया, उसके बाद की ये बड़ी कार्रवाई है। बहुत शुक्रिया विशाल तमाम बातचीत के लिए। तो ये घोटाला सामने आया था, इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, दस्तावेजों के जलने की घटना का भी संज्ञान लिया, तत्काल घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भेजकर जांच कराने के निर्देश भी दिए हैं। प्रमुख सचिव होमगार्ड और डीजी होमगार्ड से शाम तक पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है। नोएडा के सूरजपुर स्थित जिला होमगार्ड कार्यालय में एक बक्से में अचानक आग लग गई, जिससे बक्से में रखे सभी कागजात जलकर खाक हो गए। एसएसपी वैभव कृष्ण के मुताबिक 2014 के बाद के सभी मस्टर रोल उसी बक्से में रखे हुए थे। उन्होंने बताया कि मौके पर मुआयना करने पर यह सामने आया कि कमरे के दरवाजे का ताला तोड़ा गया, साथ ही बक्से का भी ताला तोड़ा गया और एक आपराधिक कृत्य नजर आता है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आपको ये बता दें, नोएडा में फर्जी मस्टर रोल तैयार कर होमगार्ड्स के वेतन में लाखों के घोटाले का मामला सामने आया था, जिसकी जांच चल रही है। ऐसे में मस्टर रोल जलना किसी साजिश की ओर इशारा करता है। वहीं इस मामले पर होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान का कहना है कि आग कैसे लगी, इस मामले की जांच की जाएगी और 10 दिनों के अंदर मामले की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एसएसपी वैभव कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। सर, मस्टर रोल वाले बॉक्स में आग लगी, आप अभी पहुंचे तो क्या देखने को मिला? सबसे पहले देखिए, ये प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आया कि स्वयं आग लगना प्रतीत नहीं होता है। इस कमरे के ताले तोड़े गए जिसमें बॉक्स रखा हुआ था, बॉक्स के ताले तोड़े गए, कुछ अलमारियां इसमें उसके ताले तोड़े गए। बॉक्स के अंदर 2014 के बाद के सैलरी मस्टर रोल थे जिसके संबंध में जांच चल रही थी। पूरे प्रकरण में FIR हम लोग लिख रहे हैं, आपराधिक प्रकरण ये प्रतीत होता है। जो भी दोषी कर्मचारी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई। सवाल और रहेगा बस कि कोई सीसीटीवी फुटेज है या कौन कौन कर्मचारी थे यहाँ पर जिनकी ड्यूटी थी? अब ये डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में
तथ्य संज्ञान में आएगा किसकी ड्यूटी थी, क्या हम लोग यहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं, वी विल टेक इनटू इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू। तो ये थे एसएसपी वैभव कृष्ण, जिनका कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला देखने में लगता है कि आग लगी नहीं, लगाई गई है, यानी जांच का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और वो सभी लोग संदेह के घेरे में है जो इस ऑफिस में मौजूद थे। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। जिला कमांडेंट ऑफिस में आग लग गई है। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि जिला कमांडेंट ऑफिस के एक कमरे में रखे एक बॉक्स में आग लगी है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो बॉक्स है उसमें जो कुछ भी था वो फिलहाल जल चुका है, लेकिन गनीमत की बात यह है कि आग कोई इतनी बड़ी नहीं थी कि वो जानमाल को नुकसान पहुंचा सके, उसे बुझा लिया गया समय पर। और ये ऑफिस है जिला कमांडेंट का। सबसे बड़ी बात है कि होमगार्ड भर्ती घोटाले की शुरुआत गौतम बुद्ध नगर से ही हुई थी और यहां पर डीजीपी के आदेश के बाद एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अब एक बॉक्स में आग लगना अपने आप में एक बड़ी बात है जिसकी जांच भी हो सकती है कि आखिर आग बॉक्स में कैसे लगी और उसके बाद उसे बुझा लिया गया, शायद कोई संबंधित दस्तावेज थे या नहीं, ये सब जांच का विषय है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर ये आग कैसे लगी। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। जांच चल रही है, जांच चल रही है, जो निकल कर आएगा, अगर आग लगे है वो भी जांच होगी। हमारे लोग वहां पर हैं, 3 वरिष्ठ लोग वहां पर हैं, वो जांच कर रहे हैं, 12-12, 13-13 घंटे वहां बैठ रहे हैं, लेकिन जो सूचना निकल कर आएगी, जो सूचना निकलेगी कार्रवाई होगी, उसमें कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। ये सरकार जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है इस सरकार में, वही लागू होगा, वही नीति लागू होगी।